जय श्री राम भाई, कैसे लग रहा है? ठीक है, ये बताओ बता है, दिन भी क्या है? मंगलवार, तो मंगलवार में आरती अभी देखी मैंने, भीड़ बहुत थी यार। तो फाइनली गाइस, मैं करने वाला हूँ और आपको भी दिखाऊंगा। फाइनली हमारा जो प्रसाद था वो आ चुका है, देख रहे हो ना, पूरा प्रसाद आ चुका है। फेस पैक लग चुका है और मेहंदीपुर बालाजी के लिए मैं निकलने वाला हूँ, राजस्थान के लिए। तो भाई पूरा ब्लॉग देखना, अभी चलते हैं सीधा आगे, कपड़े की पैकिंग करते हैं। ये है मेरे क्लोथ्स जो कि कल मैं वेयर कर लूंगा, तो इसे पैकिंग करते हैं। और उससे पहले बताता हूँ, ये दोनों चीज नई आई हैं जो कि आज ही आई हैं। और भाई बहुत अच्छी जैकेट लग रही है, कलर भी बहुत अच्छा है, देखो इसका। तो एनीवेज अभी चलते हैं आगे क्योंकि मैं तैयार होने वाला हूँ, चलिए। फाइनली गाइस, आज मैंने ये वियर किया है, मेरा बहुत ही दिल के करीब है ये वाली जैकेट। तो अभी चलते हैं सीधा बालाजी की ओर, राजस्थान, और बीच बीच में आपसे बात करता रहूंगा, चलिए। चलो भाई, तो फाइनली गाइस, अब यमुना एक्सप्रेस वे पर हूँ और यहाँ से बालाजी की दूरी लगभग 300 के करीब है। तो अभी बात करूंगा बीच में रुक कर कहीं पर, और देखते रहो, पूरा ब्लॉग बने रहो मेरे साथ। यहाँ गाड़ी कराते हैं अपनी फुल, फिर निकलते हैं आगे की ओर, बालाजी की ओर। मान जाओगे? लो मान जाओ, इतने में गिन लो इसे जल्दी। अच्छा 200 छोड़ रहे हो मेरे लिए? डिस्काउंट दे रहे हो भाई। भाई सब निकलते हैं बाहर सीधा बालाजी की ओर। यहाँ पर कौन सा अच्छा है भैया, तुम्हें ना पता यहाँ पे कौन सा अच्छा है खाने के लिए? वो ये यहाँ पे कन्हैया, इससे थोड़ा सा हल्का सा बढ़िया और खाना है। अच्छा ये भी है, योगी आ जाए, आपको जाना पड़ेगा, ये 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा बहुत बढ़िया है, इसकी क्वालिटी बढ़िया। हमें लग रही थी भूख, और मथुरा में योगी राज नाम का ढाबा है जो बहुत फेमस है, तो वहाँ पर हम खाना खाएंगे। ये रहा भाई, ये रहा योगी राज, यहाँ पर खाना खाएंगे। योगी राज नाम के ढाबा है, पर ढाबा नहीं है, रेस्टोरेंट है, काफी नामी है भाई मथुरा में। खाना आ गया है, अब खाना खाकर बात करते हैं, चलिए। तो गाइस खाना हो गया डन, प्लान एक साथ बना बालाजी का, दिन तक कुछ नहीं था, कहते हैं ना बाबा एक साथ बुलाते हैं, तो वही हुआ। तो अभी बच रहा हूँ, खाना खाया है, अभी आगे की ट्रैवलिंग करूँगा और आपसे बात करता रहूँगा, और बने रहो ब्लॉग में, चलो। रात के 1:30 बज रहे और मैं पहुंच चुका हूँ बालाजी। अभी सीधा चलते हैं होटल की तरफ, उसके बाद आपसे बात करेंगे। मेरा होटल आज का, तो चलते हैं अभी आगे कमरे में। ये है मेरा कमरा, बड़ा साधारण सा, बैग के साथ। अब सोऊंगा, उसके बाद आपसे बात करूंगा। तो गाइस सुबह उठते ही मैं पहुंच चुका हूं मंदिर प्रांगण में, और सुबह की आरती देखने के लिए मैं एक्साइटेड था, बट इतनी भीड़ देखकर मैं तो दंगी हो गया हूं, क्योंकि इतनी भीड़ आज तक मैंने नहीं देखी। देख रहे हो ना कहां तक, एंड तक जाके भीड़ ही भीड़ है भाई, भीड़ ही भीड़ है। अब वो मंदिर है वहाँ पर, मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर, ये मंदिर में आप दर्शन कर लीजिए सुबह के बालाजी जी के। अभी मैं यहीं से दूर से दर्शन करूँगा, आके फिर बाद में दर्शन करूँगा। और भाई भीड़ की बात करें तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यार, मैं बहुत देख के हैरान हूँ, इतनी भीड़ है। ये मंदिर के प्रांगण हैं और सामने बालाजी महाराज जी के दर्शन बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, बट अभी हम जो हैं बस आरती के लिए आए थे, और छींटे वीटे यहाँ के बंद हो गए हैं, क्योंकि कोई कहते हैं ना छींटे मिलते हैं जो गंगा जल वाले होते हैं, वो यहाँ बंद हो गए हैं। बहुत भीड़ आपको देख रही है भाई, बढ़ती जा रही है, रुकनी नहीं है। और यहाँ पे तुम्हारा भाई अटका पड़ा है, देख रहा है कैसे निकले। मैं बहुत फंस चुका हूँ। एनीवेज अभी आपको दर्शन कराते हैं फिर से एक बार, आप दर्शन करिए बालाजी महाराज जी के, और बोलिए जय बालाजी महाराज की जय। तो भाई बात कुछ ऐसी है, सुबह के बज रहे हैं 6 और तुम्हारा भाई आरती में आ गया था नहा धोके तुरंत, क्योंकि कुछ पता नहीं है क्या कैसे है, एकदम से प्लान बना। और आज पता है दिन भी क्या है, मंगलवार, तो मंगलवार में आरती अभी देखी मैंने, भीड़ बहुत थी यार, तुम्हें दिखा दिया था पूरा सीन, कितनी सारी भीड़ थी, बट मेरे को दर्शन हो गए। अभी मैं वापस जा रहा हूँ होटल, फिर देखूँगा शायद अंदर 1-1.5 घंटे बाद दर्शन करने पहुँचूँ। जब तक के लिए बालाजी दरबार से जय बालाजी। मैंने अपने घर के लिए लिया है, दर्शन तो हुए नहीं मगर घर के लिए ले लेता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा फिर बाद में, तो घर के लिए लिया है मैंने। वो चाय पीते हैं कमरे में, तो बाद में गए चाय पी लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। मैं आ चुका हूँ अपनी धर्मशाला में, यहाँ धर्मशाला होती हैं, तो अभी चलता हूँ आगे। हाँ,
बेसिकली 50 लोगों का खाना देते हैं और वो समावनी के हिसाब से होता है जो भी आपका अपना है। हाँ नहीं, पर्ची कट जाती है, बना रहता है, बहुत बहुत सारा बना रहता है। कितने का था? 12 भाई, 12 यूरो का मतलब हो गया 1000 रुपए का डोसा था वहाँ का, है भाई 1000 रुपए का पड़ा, तो इतने रेट पड़ जाते हैं बाहर, है ना। देख ले भाई ऐसे होता है, सेम ही कंट्री है मगर रेट ज्यादा है। फाइनली गाइस अब तैयार हो चुका है तुम्हारा भाई, और शर्ट कहती है बताना कमेंट में, क्योंकि नहीं बनवाई है। तो अभी मैं मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए निकल रहा हूँ सीधा बालाजी मंदिर, और शायद बहुत अच्छे दर्शन हो, आई होप सो, क्योंकि वो तो बाबा के ऊपर होता है। तो अभी दर्शन करूँगा, सीधा आपसे वहीं बात करूँगा। गाइस ये है प्रसादम, अभी बालाजी के लिए ले आया मैंने अंदर महाराज जी के लिए, तो चलते हैं फिर सीधा अंदर। तो फाइनली गाइस अब मैं दर्शन करने वाला हूँ और आपको भी दिखाऊंगा, उसके बाद आपसे बात करूँगा। फाइनली गाइस दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, और पीछे आपको बालाजी महाराज जी का ये पहाड़ वही है जहाँ से वो प्रकट हुई थी मूर्ति। अब चलते हैं सीधा बाहर, फिर बात करेंगे आपसे। चलिए, जय श्री राम भाई, कैसा लग रहा है ठीक है ये बताओ पहले तो कमेंट करके। और दर्शन हमारे डन हो चुके हैं, अब बस समाधि वाले बाबा के दर्शन रह गए, तो मैं वो करने जा रहा हूँ, उसके बाद सारे डन हो जाएंगे, उसके बाद सीधा होटल पे जाऊंगा, फिर बाप से बात करूंगा। चलिए, दोबारा आ गया हूँ अपने होटल में, तो अभी मेरे कमरा खोलेगा ये वाला। फाइनली हमारा जो प्रसाद था वो आ चुका है, देख रहे हो ना पूरा प्रसाद आ चुका है जो सवा मणि का होता है, अभी हम इसे खाएंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। देखो है ना, पहले ऐसे नहीं आता था, पहले टोकरी में आ जाता था सब कुछ, पिंडी में सब्जी आती थी, मगर अब बहुत यूनिक कर दिया है बालाजी वालों ने। यह है भोग जिसे मैं खा रहा हूँ, बहुत अच्छा है सच में, बहुत ज़्यादा। तो मैंने डन कर लिया, क्योंकि खाने खाने के बाद सीधा पैकिंग करी थी, अब इस कमरे को साफ़ करते हैं, क्योंकि भाई मैं जहाँ रहता हूँ उसे साफ़ करके रहता हूँ और साफ़ करके जाता हूँ, तो पहले से साफ़ करते हैं और सीधा फिर निकलते हैं। यहाँ से निकलते हैं सीधा वृंदावन मथुरा की ओर, उसके बाद आपसे बात करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी गाड़ी चलानी है। फाइनली गाइस मैं निकल चुका हूँ रोड पर, जयपुर हाईवे पर, अब सीधा मुझे मथुरा होता हुआ बुलंदशहर निकलना है। और भाई बहुत ही मजा आया, और बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा के, अनएक्सपेक्टेड दर्शन जिसे कहते हैं, सच में यार सब कुछ पूरा करेंगे यार, मुझे लगता है इस बार बहुत वाइब पॉजिटिव है मेरी भाई। तो एनीवेज मैं सीधा भी ड्राइविंग कर रहा हूँ, फिर आपसे बात करूँगा। चलिए भैया, भरतपुर से आगे रुका हूँ, और बड़ी अजीब सी जगह है, वैसे तो ये उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी है, आपको दिखाता हूँ कैसे अजीब है। चलो, वो दिख रहा है ना, ये अजीब है साला, पूरी तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है यार, पता नहीं है क्या चक्कर है दोनों तरफ, और इधर भी प्लॉटिंग हो रही है तो इधर भी पानी है। एनीवेज हमें निकलना है, ट्रैवलिंग आगे करनी है, तो चलिए बने रहो। गाइस हम आ गए हूँ मथुरा, और यहाँ पे जन्मभूमि का निशान दिख रहा है, मगर मुझे जाना है दिल्ली की तरफ। चलिए, इस मथुरा में मौसी के आया हूँ, उसके बाद बात करूँगा, पहले कुछ खा लेता हूँ। ये है मौसी का घर मेरी, और मथुरा में हूँ मैं अभी इस समय, और अभी हम जाएंगे दाबेली खाने सब, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ यहाँ पर, और अभी खाएंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। उससे पहले देखो क्या देख रही है, क्या देख रही है तू? कुछ नहीं, तू ये देख रही है पूरा दिन ब्लॉग बनाता है। हाँ तो क्या काम है भाई, ये भी काम है, कुछ ना कुछ तो जल्दी होगा। चलो, ये हमारी प्रोफेसर देख रहे हैं, सब चैनल को लाइक करें। ये हमारी प्रोफेसर साहब है, प्रोफेसर साहब है हमारी। चलो, यहाँ का वेदर कितना अच्छा लग रहा है ना मथुरा में यार, मैं भी ये सोच में पड़ गया कि ऐसी भी जगह है। चलो अभी बात करते हैं गाड़ी में, ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूँ। मथुरा में यही स्कूटी है, क्या नाम है इस स्कूटी का? एथर, एक नंबर चल रही है। तुम्हारा क्या नाम है भाई? आयुष गुप्ता। आयुष गुप्ता के साथ घूम रहा हूँ भाई, मथुरा का नहीं हूँ मैं, बाहर का हूँ। चलो मुझे लेके चलो मिस्त्री के पास, मजा आ रहा है यार आयुष तेरे साथ तो चलाने में, मेरा फ्रेंड भी तेरा नाम भी आयुष ही है, और भाई आयुष के साथ बहुत मजा आ रहा है, हेल्प कर रहा है मेरी। पता नहीं गाड़ी में क्या हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसके रिलीफ के लिए कोई हम ढूंढ रहे हैं मैकेनिक, और शाम का समय हो गया है, तो जल्द से जल्द हमें पहले मैकेनिक ढूंढ रहा है, उसके बाद आपसे बात करूंगा, क्योंकि पहले मैकेनिक ढूंढ रहे हैं गाड़ी। फाइनली गाइस भैया मिले हैं, सुजुकी के ही हैं, और उन्होंने बोला है मैं हेल्प कर दूंगा, तो अभी सीधा वहां जा रहे हैं, अभी देखते हैं क्या होता है, गाड़ी में बताएंगे। वैसे चालू हो जाएगी ना? अरे थैंक यू यार, तुमने कर दिया, वरना अभी तक ऐसा लग रहा था यार क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो गाइस सीधा टाइम ना वेस्ट करते हुए घर पहुंचते हैं, उसके बाद गाड़ी दिखवाते हैं, फिर बात करेंगे। अभी गाड़ी को दिखवा रहे हैं भैया, अभी चेक करते हैं गाड़ी को, पता नहीं क्या हो गया, चेक करके बताएंगे अभी। थैंक यू सो मच, ठीक हो चुकी है,
मेरा नंबर कहाँ है? नंबर ले लिया है ना तूने? और भाई मेरे चैनल देखते रहना, पीछे है ना, देखो दिखाया नंबर। क्या नाम से कर रखा है? क्या नाम से भाई? अरे वाह भाई वाह, इनने लिखा है यश भाई यूट्यूबर। थैंक यू सो मच यार, यू मेड माय डे। सच में तूने बचा लिया और इन भाई ने भी बचा लिया। आयुष मेरे साथ फोटो खिंचवा रहा है, पर आयुष मैं बहुत नॉर्मल आदमी हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ और हमेशा रहूंगा तुम्हारे साथ। कभी हेल्प की जरूरत पड़ेगी ना तो इस ब्लॉग के माध्यम से दिखा देना। तो भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा और बड़े भाई की तरह हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे माता पिता मेरे माता पिता है, ठीक है? आना है जल्दी। हाँ। भाई बहुत हेल्पफुल लड़का है, बहुत अच्छा लगा मुझे मिलकर। सच में मैं तो यशी के पास रुका था और बुआ ने इतना सारा सामान अपनी दुकान से मंगा दिया। भाई इनका फास्ट फूड का इतना बड़ा दुकान है मुंबई स्टॉल के नाम से, वो किस नाम से है? यम्मी बाइट। यम्मी बाइट, जो मुंबई की सारी चीजें मिलती है, जैसे बड़ा पाव हो गया आपका, दही पूरी वो बना ही रही है, दावेली, और ये क्या है भाई? सेब पूरी। भाई यशी ये तुमने बनाया क्या? हाँ पापा ने बनाया। भाई यशी बना लेती है, हमें तो कुछ बनाने ही नहीं आता है ना भाई। यशी यार वैसे तुम टैलेंटेड हो, है क्या कर रहे हो वैसे? अभी मैं 12th कर रही हूँ। यार यशी ये बहुत ही औसम लग रहा है और अभी खा के और बताऊंगा। और ये बनाया है ना तो भाई कुछ ऊपर ही जाओगी तुम, मुझे ऐसा लगता है। चलो गाइस इसे खाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। रात का खाना जो मैं खा रहा हूँ, और दाल बाटी मेरी फेवरेट है ही, तो बाटियरी दाल बोरी और मिर्च, राजस्थानी मिर्च और चटनी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे खाकर आपसे बात करता हूँ। फाइनली गाइस फिर से निकल चुके ट्रैवलिंग के लिए और सीधा बुलंदशहर की ओर निकलेंगे ये अपना एक्सप्रेस वे से, तो सीधा बात करते हैं आपसे आगे। गाइस अब सोने का वक्त हो गया है, रात के बज रहे हैं 11:30 और अभी हम सोएंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया, तो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दें और इसे बढ़ दें। जब तक के लिए अगले ब्लॉग में मिलेंगे, अगली जगह चलिए।